आज अपन कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं शायद मैंने टाइटल में लिख दिया होगा, मैं काम कहाँ जा रहे हैं। अभी पीछे काम चल रहा है गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के न्यू ट्रेलर के ब्रेकडाउन वीडियो पर। सारा सामान वामान रख लिया है, रिकॉर्डिंग का भी सामान रख लिया है, शायद मैं वहीं पर रिव्यू कर लूँ अगर मैं कर पाऊँ तो। दोस्तों यारों के बीच कहाँ यार टाइम मिलता, पर कोशिश करेंगे इस चीज़ को करने की। मैं आपको मेरा नया डेस्क टॉय भी दिखाना चाहता हूँ, ये पैसिफिक मॉल से लिया। मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ कि यार मूवी कैसी होगी, आई होप अच्छी हो यार, मैं उम्मीद है इस मूवी से, खासकर कैंग के लिए तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। शायद इसके लिए मेरे को एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए। मैंने अपना डेस्क सेटअप किया है, मुझे मज़ा आया सेटअप करने में, आपको शायद देखने में भी मज़ा आएगा, पर मेरे ख्याल से एक पूरी वीडियो में उसको कवर करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमारे दोस्तों के लिए कुछ सामान है। एक घंटे की नींद लेकर अब बस अपन निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। जल्दी एयरपोर्ट पहुंचने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि आपको लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ती, आप आराम से अपना सामान वामान बैग चेकिंग करा के सब कुछ चेकिंग वेकिंग सब कुछ करवा कर होके आप अंदर आ सकते हो। नुकसान ये है कि आपको वेट बहुत करना पड़ता है। तो तो अपन पहुंच चुके हैं। यो यो यो। और एक फन फैक्ट बताता हूँ मुंबई के बारे में, यहाँ चाय बिल्कुल अच्छी नहीं मिलती। हाँ ओ भाई, बर्बाद चाय। मैं चाय पीता नहीं तो मेरे को पता ही नहीं है। मैं पीता हूँ और मैंने 2-3 बार यहाँ पिया है भाई। वाय मुंबई, क्यों क्यों इतना डिसअपॉइंट करना। आई एम नॉट अ चाय पर्सन। कोई नहीं कोई नहीं, इस रिव्यू के बाद शायद चाय इंप्रूव हो जाए। ओए नाइस, जय शिवाजी। ना देखो अपने को तो ये है ना कि अपने को ये है कि भाई सबसे मिल के रखना है, सबसे एक बातचीत बना के रखनी है। क्यों, अपने को कोई दुश्मनी थोड़ी है भाई। आज तो फुल नहीं, तुम तो नहीं पीते ना। तो मैं भी कौन सा पीता हूँ। हम लोग आए थे मैं और बादल। हाँ तो हुआ ये कि 2 दिन पहले तुम लोग। हाँ हम लोग 2 दिन पहले आए थे तो यहीं रुके थे, यही सेम होटल में कॉमिक कॉन अटेंड करने के लिए। इंसेप्शन भाई, 2 दिन पहले का नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है यार। नाइस, कूल। बालों को देख के जज नहीं करना है, ठीक है। अजीब सा शैम्पू यूज कर लिया मैंने। ऊपर आ चुके अपने भाई, कौन आ चुका भाई, बादल और पीजे। भैया 7th पे जाना है। 7th पे आपको सर। तो हमने बादल पीजे को पहले अपने रूम में बुलाने का सोचा, वो लोग 7th फ्लोर पे, हम 4th फ्लोर पे हैं। तो हमने पहले उनको बुलाया, फिर हमने सोचा हम उनके रूम में जाएंगे, बट हम 4th फ्लोर वाले 7th फ्लोर पे नहीं जा सकते क्योंकि हमारा की कार्ड अलाउ नहीं करेगा, और 7th फ्लोर वाले 4th फ्लोर पे नहीं आ सकते क्योंकि उनका की कार्ड अलाउ नहीं करेगा। तो भाई कोई बात नहीं भाई, बुरा नहीं मानते। अरे गले मिले यार। अरे आवाज यार, क्या बात कर रहे हो। मैं नमकीन लेकर आ रहा हूँ। नमकीन और दारू तुम लाए हो। साल बदलो फोन क्यों भाई, हर साल बदलो फोन, अपने किस्त बढ़ाओ, ईएमआई बढ़ाओ। एक फोन का ईएमआई खत्म हुआ तो दूसरा फोन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिना ईएमआई की जिंदगी क्या जी रहे हो। और नहीं तो क्या, ये भाई लर्न फ्रॉम द बिजनेस। हां जब तक 5-6 कर्जे नहीं होंगे। Amazon पे लेटर करके रखा हुआ है। तुमको बता रहा हूँ, मतलब महीने का ऐसा YouTube का पेमेंट आता है ना, ठीक है। कुछ महीनों पहले तक 2-व्हीलर का ईएमआई जा रहा था, 4-व्हीलर का ईएमआई जा रहा था, घर का ईएमआई जा रहा था। ओ भाई लैपटॉप का ईएमआई जा रहा था मेरे भाई। तुम बताओ सारा पैसा ऐसा सारे खत्म। अच्छा ये लेकिन ईएमआई पे नहीं है, ये अपना यो BNF TV
बादल एंड फ्रेंड्स टीवी का स्किन, ये लो पहले अनबॉक्सिंग करो। दिस ऑर्डर इज एज स्पेशल एज यू आर। नाम लिखा है, नाम लिखा है, नहीं नाम नहीं लिखा है, मतलब इसके वाले पे और मेरे वाले पे नाम भी लिखा हुआ है हमारा। ये भेदभाव क्यों भाई, मैं नहीं लगा रहा। पता है मेरे ख्याल से तब बना होगा जब तुम्हारे बिलियन नहीं हुआ। मैं आ रहा हूँ स्विमिंग पूल। जो भाई ताली बजता है लोगों को पता चल गया होगा भाई, आप पता। ओ भाई ठीक है, मैं बताओ यहाँ मैं कभी नहीं बैठता हूँ विंडो की साइड में, हमेशा मोहित बैठता है। मैं क्यों बैठा हूँ? क्यों बैठे हो तुम बताओ? मैं रुक गया, बता क्यों बैठा, बताओ मन क्यों बैठा है बादल। अरे कौन सा लगाऊं, तो एंटमैन का ज्यादा सही। देखो फिर एंटमैन का लगा रहा है मैं। तो लगा रहे हो? यस। कटआउट मैच करना है सिर्फ तुम्हें कैमरे का, और इजी है, सिंपल है। अबे एप्पल मिट जाएगा भाई आराम से। असलियत पता लग जाएगी लोगों को। ऑडियो बदल देना, कुछ म्यूजिक व्यूजिक डाल देना, ठीक है? सिली म्यूजिक लगा रहा। हो गया, हो गया। अच्छा ये मेरा वाला बेटर लगा। तो भाई ये दोनों प्रीमियर के लिए तो रेडी है भाई, ठीक है? अब जो मैं मोहित वाले, मोहित का भी दे देता हूँ मोहित को थोड़ी। और ये अपना क्लासिक थॉर वाला भाई, ये किसका है भाई? ये मैं नहीं हटाने वाला भाई, मैं ये नहीं हटाऊंगा, हटाना चाहिए मेरे को। मैं लगा रहा हूँ ये हल्क वाला। ये नहीं हटा रहा। ओ भाई अबे उधर, ये कैसा लग रहा है? तुम एंटमैन के लिए रेडी तो नहीं हो तुम, लेकिन पर हल्क के लिए तो। ये कॉफी बनाई मोहित ने, बढ़िया कॉफी सच में, बढ़िया बनाई है। अपनी पोजीशन पकड़ ली। यस सच में बढ़िया बनाई है तुम? नहीं सच में बढ़िया बनाई है। उसमें से मैं नहीं पिया, लो पीना तुम, पियो ना। नहीं नहीं दे दो तुम, पिए नहीं तो तुमको कैसे पता बढ़िया बनाई? निकालो निकालो, कितना लेना है। हां तुमने पिया नहीं तो तुमको पता कैसे बढ़िया बनाई? एक होता है ना, एक मन से आवाज आती है। अगली बार भी बना के दे। नहीं यार ऐसे नहीं होए मोहित, सुनना नहीं। ये चलो कुछ काम तो भाई यार, अब पूरा नजारा खत्म हो गया। अपन रेडी है भाई, अपन चलने के लिए तैयार हो। टाइम क्या हो रहा है? 6:05 तो ऐसा साढ़े छः का हिसाब करना। कॉल करूँ? चलो कॉल करते हैं भाई, अपन चलते हैं प्रीमियर में, ठीक है? नींद की सख्त जरूरत है। डैडी गैंग, अबे डैडी गैंग नहीं, डार्क में क्या रहता है? जोनस एडम, एडम नील, नील नील होता है। डार्क में क्या नाम होता है उस लॉन्डे का? अच्छा अरे उसके दो तीन नाम होते हैं ना भाई, जोनस होता है ना शायद, जोनस होता है, जोनस जोनस पर वो बच्चा, अच्छा हाँ जोनस ही होता है। और जो येलो कलर के उसमें होता है ना, वो मेरे ख्याल से वो होता है, स्ट्रेंजर कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं जोनस। तो अमन भाई जोनस के रोल में आज कॉस्प्ले करते हैं, दाढ़ी वाला जोनस। पता नहीं मार्था मिलेगी कि नहीं, मिल जाएगी मिल जाएगी सच्चे। सब लोग सब मिलेगा, सब लोग रेडी हैं, अपन चल रहे हैं। वो मार्था ऐसे मिलेगी जो सीधा मार्था। Tell me why did you say that name? चलो भाई डीसी की बात नहीं करते, मार्वल के प्रीमियर। चलो 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 लॉबी की तरफ आ रहे हैं। हाँ मैं लॉबी के बाहर ही खड़ा हूँ। ठीक है ठीक है। तुम इतना वाइड एंगल में शूट करते हो? यस वाइड एंगल मजा आता है यार भाई, मजा आता है, लेकिन इतना यहाँ पे सीक्रेट बातें चल रही हैं। यो पीजे यार, तुतुल पुतुल। कल्चर ऑफ समोसा खाने मिलेगा। मेरा भी तुम ही खा लेना बादल।
अरे मैं नहीं खाएगा डाइट पे, मैं मजाक कर रहा था। ले लो ये भी ले लो अपने सुपर सोलंकी भाई ने। यस मस्त, हमें चॉकलेट दिया हम सबको भाई। ये वाह, अंदर ले जाने देंगे ना? पहले खा लेंगे अपन लोग, पहले खा लेंगे, पहले खा लेंगे। ले लो भाई फोटो ले लो। तो भाई ये एक अपनी मेमोरी बन गई है यहाँ पे, ऑसम मेमोरी। वाह मज़ा आ गया भाई। हैं गाइस गाइस एक सारे आ रहे हैं। ये दो समोसे और कूपन दिया है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करें। कम लग रहा है क्या? पता नहीं ये 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 क्या था, ये सरकैज़म था कि क्या था? और अमन पार्टी का वेट कर रहा था। पीजे क्या रिएक्शन है तुम्हारा? मैं बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हूँ। मैं बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हूँ। ये छुपा रहा है अपना। मैं पता है, सुनो मैं इसका रिव्यू नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है? इसका क्या बोलूँ मैं, इससे जो मिलेगा उसका रिव्यू देना। अरे नहीं पीजे बच के रहना, ठीक है? ऐसा तुम्हारी गर्दन एक हाथ में आ जाएगी क्या? अरे हाथ क्यों पकड़ रहे तुम? अपने पीजे पकड़ लो भाई, अजीत भाई आ रहे हैं अपने मूवी स्टॉक स्ट्रांग ग्रिप। अरे वो मीम बनता ना ऐसा ऐसा लगता है। कुछ कुछ सामान का भी प्रोडक्शन हो चुका है। मसल तो भाई से बनानी पड़ेगी ना। अजीत भाई क्या लेकर आ रहे हैं जो उनको रोक लिया है? बैग वगैरह चेक। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरा कैमरा रेसिस्ट है, मेरे को ही डार्क दिखा रहा है? तो अलग ग्रेड करना पड़ेगा। हार्ड लगी है। अजीत बहुत ज्यादा एक्साइटेड, डर रहा हूँ मैं। ऑलराइट गाइस तो हम लोग अंदर जा रहे हैं, एंट्री शुरू हो चुकी है। मैं पूरा तैयार है। यस ब्रो रेडी। यस नाइस। मैं अपने भाई लोग वहाँ पे रेडी है। चलो चलो चलो। डोंट जज गाइस। क्या अजीत भाई इतना क्या खा रहे हैं आप? Two hours later. लग रहा है ज्यादा लग रहा है बॉय। अजीत भाई मेरे लंजी में कड़क। ओए कैसा? मतलब सही है। Enjoyable picture है भाई। अबे सही है, पता है मतलब सही है। लेकिन बोल रहे हैं ना वो जो कूदता है ना उसको। ओ एक पल को मेरे को लगता है भाई क्लाइमैक्स और मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन। आई मीन हेलमेट तोड़ दिया। हेलमेट कितना स्ट्रांग होता है हेड से भाई? यार भाई वो मूवी का क्लाइमैक्स और पोस्ट क्रेडिट सीन वर्थ इट है। मस्त और क्या है? सब जो मैंने प्रेडिक्ट किया सच हो गया है। लोग पूछ रहे हैं क्या आगे क्या होगा। हां तुम्हारी पहचान है यार अंदर। कैसा लगा? बस फर्स्ट क्लास ब्रो। आप लोगों को कैसा लगा? मस्त मस्त। एक चीज क्या अच्छी लगी मतलब कैमरा के साथ जाकर दिखाना था, बैटल दिखानी थी, वो नहीं हुई, वो अच्छा लगा और वो चीज़ अच्छी। बाकी और स्पॉइल नहीं करूँगा। अरे अदीप भाई इन इज एसेंस मतलब बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड ये बाद में परसों जाएगा। बोलो बोलना कंट्रोवर्शियल ओपिनियन बोला। काउंसिल ऑफ गैंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? मजा आई भाई, ठीक है? सबको सबको मजा आया भाई। ब्लैक एडम से ज्यादा। चलो ब्लैक एडम से ज्यादा मैं बोलता हूं। ब्लैक एडम से ज्यादा जो परसों जाएगा, पर परसों के हिसाब से भी स्पॉइलर ही है ना, जिसने नहीं देखा उसको थोड़ा और लेट कर देंगे, ब्लॉग ही तो है। तो जो बेसिकली पोस्ट क्रेडिट सीन है, ठीक है, काउंसिल ऑफ गैंग का, हाँ? वो है बहुत अच्छा, ठीक है? मतलब उसको देख के एक्साइटमेंट बनता है, बिल्ड अप होता है। ओके। और वो जो है कि मतलब जो आखिरी में दिखता है अपने को, ठीक है, तो वो सारे चीख रहे होते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉमिक बुक पैनल है। मतलब मेनियक की तरह भाई, बिल्कुल वो कॉमिक बुक पैनल है भाई। जानवर जानवर की भाई, बिल्कुल वो कॉमिक बुक पैनल करके। खुशी भी थी एक हिसाब से, मतलब कि अब बहुत बड़ी पागल थे भाई वो, एकदम एकदम पागल थे कि लड़ो कटो मरो वही करना उनको और कुछ करो। अजीत भाई से मिलना हुआ, अजीत भाई के साथ मौज आया। अजीत भाई ने सीधे सीधे रिव्यू दे दिया वहीं पे हमें मूवी देखते ही। चलो मूवी स्टॉक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाना, वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप भी बनाना, ठीक है? मुझे तो आप भाई एक वीडियो बनाकर बाकी रेडी करना। अजीत ने रात को 3 बजे वीडियो डाल दी बना के। एक यार एक इस बैकग्राउंड के साथ एक लेते हैं ना, सब लोग आ रहे हैं। देख रहे सब देख रहे हैं, वो मैं कर दूंगा इन्हें।
भाई मूवी देख ली, मजा आ गया, फन। सुबह सुबह मेरी ऑडियंस का सिंपल हिसाब किताब है, ठीक है, पिक्चर का एक ही पर्पस होता है मजा देना, ठीक है, और पिक्चर मजा देती है काम। हाँ, पिक्चर का एक ही मोटिव होना चाहिए, मजा देना, सब पीछे रिकॉर्ड करो अलग अलग एंगल से, मजा आनी चाहिए। पीजे एक्सप्लेन, चलो दिख रहे हैं, ओके, पीजे एक्सप्लेन। 8 hours later भाई, रात को प्रीमियर जाने से पहले सब की हालत टाइट थी, रोटेन टमाटोज ने ना सबको डरा रखा था, इवन कई सारे क्रिएटर्स हमें वहाँ मिले और आशीष भी मिला, आशीष चंचलानी यू नो, अब दोस्त है ना तो ऐसे ही बात करते हैं। हमें ये नहीं बोलो कि मूवी परफेक्ट है, क्योंकि मतलब मूवी में फ्लॉज हैं, मूवी लैक करती है, काफ़ी जगह पे लैक करती है, और 55% नहीं थी मूवी। हाँ, डेफिनेटली 55% नहीं थी। मैं ये बोलूँगा कि आप खुद से देखो, खुद से जज करो, और खुद डिसाइड करो कि आप कितना रेट करोगे। मेरे हिसाब से 55% किसी भी एंगल से जज नहीं करती है, और काफ़ी सारी चीज़ों का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेटअप करती है, क्योंकि जस्ट बिकॉज मूवी के शोल्डर्स पे बहुत सारी चीज़ें रेस्ट करती है, तो ऐसे में किसी भी मूवी के लिए ईजी नहीं है भाई, इतना इतना सब कुछ इतनी आसानी से ग्राउंड वर्क सेटअप करना, और एक ट्रिलॉजी कंप्लीट कर रही है वो। सही बात, सही बात। तो किसी मूवी के लिए इतना इजी नहीं है, पर मूवी अच्छी है, और उसको लोगों ने आई थिंक बहुत हार्शली जज किया है। अजीज भाई वहाँ पे मिले, मज़ा आया, और भाई वहाँ से निकल के अभी तुमने देखा ऑडियंस, देखा ऑडियंस रिव्यू आ गया उस पे, ऑडियंस रिव्यू आ गया। हाँ, मैं वही देख रहा था, 77% था, कितना था जब मैं रात, मैं जब रात को देखा 90, हाँ रात को देखा 77% था, पर रात को मैं कहूँगा वो ऑडियंस कोशिश कर रही थी चीज़ों को बचाने की, बट अभी जो होगा वो ऑनेस्ट होगा। दूसरी चीज़, तो रात में भाई हम लोग आए, बहुत हालत टाइट हो गई यार, आग के ऊपर एक एक करके सबने अपने रिव्यू शूट करे। हाँ, एक सेकंड भाई, इतने हार्ड वर्किंग ये सब लोग हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं, हम चारों एक एक करके स्क्रिप्ट लिख रहे थे, और हमारे पास दो रूम हैं, और एक एक करके हम शूट करते जा रहे थे, मतलब यार माहौल है, यार माहौल है। और मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, तुमने नोटिस किया होगा कि मैं प्रीमियर अटेंड करता हूँ पर मैं रिव्यू तुरंत नहीं करता, और भाई इन लोगों को देखा मैंने कि भाई सब लोग भाई लोग लगे हुए साथ में, तो भाई मज़ा आ रहा था, तो वीडियो बनी गई, वही है, मज़ा आया। इवन ये देखो, मोहित अभी भी लगा हुआ है जस्ट फॉर यू, मोहित ने थंबनेल लिखा हुआ है, मोहित थंबनेल यूज़ किया है बहुत सारी डिबेट के बाद कि क्या थंबनेल लगाया जाएगा, कर ही देते हैं यार। आपके फेवरेट पीजे, ये देखो फुल रोटेन टोमेटो, देखो 86%। हाँ, कर रहे लोग, सी मूवी सही में अच्छा, लेकिन क्रिटिक्स रिव्यू और घट गए। मैं मूवी को वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरे को ऐसा नहीं कि मूवी बहुत अच्छी लगी है, मूवी परफेक्ट नहीं है, या मैं मूवी को वो डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। कितना बज रहा है? टाइम हो रहा है 9:45, बट मज़ा आ गया रात को भाई, बिल्कुल दम नहीं था, अपन ने खाना वाना मंगाया, खाना वाना खाया, और भाई ऐसे मैं तो ऐसे गिर रहा था जैसे चित्तौड़ी गिर गई थी आयरन मैन के थैनोस के शिप को तबाह करने के बाद। कल कांड नहीं कहेंगे उसको, कल ना थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई। मार्वल के हमारे जानने वालों ने एक पूरी रो रिजर्व करके रखी हुई थी, जिसमें कुछ बड़ी बातचीत और योर्स बड़ी बातचीत हम लोग 5-6 लोग जो थे उनके लिए रिजर्व थी सीट, तो कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी बात है, लेकिन थोड़ा सा उसको लेकर गर्मा गर्मी हो गई कि भाई पीवीआर था आईनॉक्स स्टाफ ने किसी और को बिठा दिया वहाँ पे, और उसको लेकर बहुत झमेला हो गया भाई। At the end चीजें सॉर्ट नहीं हुई, वो सीटें खाली करवाई गई और खाली रह गई जिसको बैठना था, खाली करवाई उन्होंने, वो भी नहीं बैठे। हाँ, पर भाई लेकिन भाई हाँ, पता है वो बंदा देख रहा होगा, सीन हो गया, क्या क्या बात बोलते रहते हैं सब। तो भाई जो देखेंगे वो जो नोटिस करेंगे तो बोलेंगे ही ना, और ये तो भाई कल रात को मेरे को पता क्या लग रहा था, एक पल को गया इवेंट, गया प्रीमियर, रिप्रेजेंटेशन मोड में स्कूपकास्ट फॉरएवर, और
अभी अपन जा रहे बादल को लेने। बादल की कार्ड्स का थोड़ा सा अपना इशू है। माय डूड मैं अभी जस्ट उठा हूं, बादल अपलोड कर रहे हैं। 9 बजे का अलार्म लगाया था। बादल का थंबनेल देख लो, ये भयंकर भयंकर, ये भयंकर। बादल हमसे अभी पूछ रहा है मैं कौन से फ्लोर पे हूँ। ओ भाई इनसाइड स्कूप फ्रॉम स्कूप कास्ट, इनसाइड स्कूप पीजे सेटअप। आई होप वो माइंड ना करे, है ना? नहीं नहीं, नाइस, अच्छा लग रहा है यार। गुड गुड, मैं आपको जल्दी से बाहर का भी नज़ारा दिखा देता हूँ। मस्त होटल है ये, मैं तो नाम प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा। सेवन्थ फ्लोर सुप्रीमेसी, ये भाई की वीडियो। यस, ये दूसरे भाई की वीडियो, तीसरे भाई की वीडियो, और तीसरे भाई की भी वीडियो यार ये। नाइस स्कूप का। ओके हां हां, क्या हुआ सुबह सुबह भाई? मैं 7 बजे ना, मेरी एक्चुअली अब इसमें बादल की गलती नहीं है, मैं बहुत डीप स्लीपर नहीं हूं। तो अब मैं ना बहुत ज्यादा हूं। अरे ये तो 5 मिनट का डीप स्लीपर भाई यार, कराटे मैं इसको कराटे एक्सपर्ट। अरे मुझे खुद को नहीं पता यार, मेरे को अब डिस्कवर, इन्होंने जो पिछले ब्लॉग डाला था ना, तब मैंने डिस्कवर किया कि मैं खराटे लेता हूँ। मुझे कुछ किसी ने बोला भी नहीं था आज तक। 36 बार बेल बजा चुका है, सब कुछ कर चुका मेरा भाई होता है, मैं बहुत डीप स्लीप जाता, तुरंत चला जाता हूँ मैं। और मेरी पूरी बिल्डिंग गेट टूटा है मेरा, ओ भाई, मेरी नींद की वजह से ऐसी हालत रही है भाई। जाना पड़ेगा नीचे दरवाजा खुलवाने के लिए। एक महीने बाद भाई खाना पीना हो गया, सब कुछ हो गया, ब्रश व्रश कर लिया सब कुछ। अब चिल आउट कर रहे हैं अपन। यस, फुल चिल बाजी। बस इतना ही था भाई, इसके बाद अपने को निकलना है, प्लेन पकड़ना है। फिर कब मिलेंगे अपन लोग? उम्मीद करो जल्दी मिल जाए, वो तुम्हारे ऊपर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जल्दी मिलेंगे। और भाई चलो भाई, अपने को अब निकलना है, अपना बुलावा आ गया, जाना है एयरपोर्ट अपने भाई बंधु। अब बनाएंगे पॉडकास्ट। कौन सा एपिसोड है ये मैन ऑफ कल्चर का? 63 मतलब ओनली 6 एपिसोड्स लेफ्ट टू गो टू लेजेंडरी नंबर। बहुत प्रेशर है भाई। और तुमको एक और बात बताऊं, जो 69th एपिसोड आएगा ना, उसका रिलीज डेट होने वाला है 1st अप्रैल। कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो। और प्रेशर है कि करेगा बताओ भाई। मैंने बोल दिया पहले ही, हम 68 से 70 पे जंप कर जाएंगे अगर कुछ अच्छा आइडिया नहीं आया। भाई नीचे गेस्ट नहीं मांग रहा है वो, खुद ही अब मारने के चक्कर में लगी हुई है भाई। भाई खाना पीना तो हो गया, ये अभी बंदे बुलाए लड़ाई के लिए। आ रहे बंदे, ठीक है, पर पीजे भी रेडी है, घाटी पे ही है बस। आ रहे भाई, मस्त मजा आया। वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर ये बोलने के लिए ever. तुमको पैसे तो नहीं मिल रहे। तो पैसे खाओ जल्दी दो। ओए फिर 500 दिए। 500 सच में दिए क्या? मैंने ले लिए। तुम्हारे थे पीजे के थे? मैं जिसके भी थे ले लिए। तो भाई ऐसे पूरा बैग खाली करवा देते हैं लाइक, और फिर वापस सब सामान अंदर रखो। तो भाई जा रहे अपन मुंबई से अब घर। मेरे को हैरानी है, गोप्रो का क्या बैटरी पूरा चल गया? एक बार 100% चार्ज करके पूरे आई गेस 2 दिन के ट्रिप में आराम से चल गया। ग्रेट।
तो भाई घूमा है अपन, प्रीमियर देखा है, मुंबई घूमा, घूम तो नहीं है पर प्रीमियर देखा है, दोस्त यार से मिल लिया, मज़े कर लिए, बट अभी मज़ा आया। इस बार मज़ा ये आया कि भाई सब लोग साथ मिलके काम कर रहे थे, अपन सब साथ मिलके प्रीमियर देखने गए। प्रीमियर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई रोटेन टमाटो स्कोर इतने ख़राब हो गए, तो उसका थोड़ा सा चिंता था कि यार मूवी कैसी होगी, बट फिर जब हम मूवी देख के आए तो भाई रोटेन टमाटो स्कोर तो यार मतलब झूठे निकले ऑब्वियसली। हमें वहाँ पे अजीज़ भाई मिले और कई सारे क्रिएटर्स मिले और सबके साथ हमने फोटोज़ वोटोज़ खिंचाई, हमने वहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह दिए और फिर वापस आए। वापस आके भाई चार गीक बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि कैसी थी मूवी, क्या मज़ा आया, क्या नहीं आया। बहुत बहुत फन था भाई। रात को खाना पीना किया, थोड़ा सोए, सुबह उठे और भाई सबको गुड बाय का भाई, मज़ा आया। ये प्रीमियर बेस्ट था। तो भाई देखते हैं अगली जर्नी अब कहाँ लेकर जाएगी, पर तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बहुत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।